subscribe and never forget to click on the bell icon to get notification of the latest video. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अपने एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है. बस आप ये 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए तो आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा. मैंने इसमें जो बिजनेस स्टडी का हमारा फर्स्ट पेपर होता है 12th क्लास का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखे थे, तो उनमें ये वाले क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं. तो आप इन 15 क्वेश्चंस को इजीली प्रिपेयर करके अपने जो पेपर है फर्स्ट पेपर आपका बिजनेस स्टडी का, उसको आप क्लियर कर सकते हैं. जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं थोड़ा घुमा फिरा के, तो आप इन क्वेश्चंस को बस प्रिपेयर कर लीजिए. तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आप लास्ट मोमेंट पे अब बस एक रिवीजन कर लें इन क्वेश्चंस का, तो आप इजीली अपने पेपर को दे सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है बिजनेस रिलेटेड. What is business? Explain its nature and function of a business. फिर है why does business need multiple objectives? Explain with an example. तो इसमें हमें business के objectives बताने हैं. आप objective दो में बता सकते हैं, general objective और specific objective. और साथ में आप उसके साथ उसके examples भी दे सकते हैं. फिर हमारा third question है what factors are considered while starting a business? तो business को start करते समय हमें कौन कौन से factor consider करने चाहिए, जैसे कि place है, time है, तो ये आप लिख सकते हैं. फिर है व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो उसको मीनिंग को बताते हुए आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है. फिर हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. तो इसमें आपको पार्टनरशिप फॉर्म बतानी है और उनके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं. फिर है व्हाट आर सर्विसेज, एक्सप्लेन देयर डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स. तो सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, तो इस तरह की सर्विसेज होती हैं, उनके साथ में आपको उनके करेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन करने हैं. फिर हमारा डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ B2C कॉमर्स. तो बिजनेस टू कॉमर्स में जो भी साइलेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हमारा व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस. तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस डिफाइन करना है और ये भी बताना है कि वो डोमेस्टिक बिजनेस से डिफरेंट क्यों है. इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया. तो स्मॉल बिजनेस का रूरल एरिया में क्या रोल है. फिर है व्हाट आर द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज. तो गवर्नमेंट किस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, एक्सप्लेन करना है आपको. फिर है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रमोशन. फिर है लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स विद रिस्पेक्ट टू कंपनी प्रमोटेड बाय देम. तो आपको लीगल पोजीशन बतानी है प्रमोशन को एक्सप्लेन करते हुए. फिर एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय प्रमोटर्स इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. तो आपको प्रमोटर्स के स्टेप्स बताने हैं. फिर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्लेन करना है उसके कॉजेस के साथ, जैसे कि होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, तो वो आपको एक्सप्लेन करने हैं. 6 क्लॉज होते हैं. डिस्टिंक्टिंग बिटवीन मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर आपको मीनिंग पता है दोनों के तो आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों को. फिर है एक्सप्लेन दी वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स को आपके एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. अब इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर सकते हैं अपने लास्ट मोमेंट में, तो आप इजीली अपने बिजनेस स्टडी के पेपर को दे पाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये था बिजनेस स्टडी का फर्स्ट पेपर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए. अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लीजिए. इस क्वेश्चन से बाहर आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे. और अगर आपकी कोई क्वेरी हुई, आपका कोई सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट जो फ्यूचर में कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए. अगर आपका कोई और सजेशन हो तो आप नीचे प्लीज़ उसे लिखिएगा. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.